Hindenburg Research. Hindenburg Research and fraud. Using shell companies to pump. Hindenburg Research. They asked Congress to raise or suspend the debt limit. दोस्तों कुछ वक्त पहले अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कुंडली निकाली थी और कहा था कि कंपनी बहुत झोल कर रही है, उतना लोन ले चुकी है जितना इसकी औकात नहीं है। उस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को नुकसान जरूर हुआ लेकिन कंपनी फिर से चट्टान की तरह खड़ी हो चुकी है। लेकिन जिस अमेरिकी कंपनी ने ये रिसर्च किया था, ये रिपोर्ट छापी थी, वो शायद अपने देश के बैंकों की कुंडली निकालना भूल गई और यहां तक कि अपने ही देश यानी अमेरिका की कुंडली भी उससे अछूती रह गई। क्योंकि अब जो खबर सामने आ रही है, जो खुलासा हो रहा है, वो पूरे अमेरिका के ही डहने का इशारा कर रहा है। कहां भारत की एक कंपनी की बात हो रही थी और वहां तो पूरा का पूरा अमेरिका ही डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, वही अमेरिका जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, वही अमेरिका जिसे बहुत धनवान मानते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको लेकर के अब हर तरफ से निगेटिव खबरें आ रही हैं। वहां बीते कुछ महीनों में ही कई बैंक डूब चुके हैं और बताया जा रहा है कि कई और बैंक डूबने की कगार पर हैं। अब खबर यह है कि अमेरिका लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर सकता है और ये खुलासा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, और ये बात खुद वहां की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है। मतलब दोस्तों, अब अमेरिका से जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी ला सकती है, ऐसी सुनामी जिसके भंवर में कई छोटे देश पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा और आपका क्या होगा, इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। जिस अमेरिका की छोटी सी छींक से एशिया बीमार पड़ जाता है, यूरोप को फीवर आ जाता है, अफ्रीका वेंटिलेटर पर चला जाता है, वो अब अंदर ही अंदर अंतिम सांसें गिन रहा है, तो फिर दोस्तों दुनिया का क्या होगा। लिहाजा इस पूरे के पूरे मैटर को डिकोड करते हैं कि अमेरिका का ये डेट लिमिट और डेट सीलिंग क्या पंगा है, क्यों अमेरिका जानबूझकर अपने आप को डिफॉल्ट करने पर तुला है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, और भारत क्या इस भंवर में डूब जाएगा या फिर असली धमाल भारत अब ही मचाने वाला है। तो चलिए दोस्तों इन सारी बातों को जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों अमेरिका की बाइडेन सरकार ने अपने खर्च की लिमिट को क्रॉस कर लिया है, यानी अब अमेरिकी सरकार के पास अपने बिलों का भुगतान करने, अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने अपने लेटर में कहा है कि 1 जून के बाद अमेरिकी सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और अगर देश डिफॉल्ट होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अमेरिका में ये हालात क्यों बने, क्यों अमेरिका डेट लिमिट तक पहुंच गया, यानी उधार लेने वाले लिमिट तक पहुंच गया। तो दोस्तों इसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। पहले मैं आपको अमेरिका के इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान धन जुटाने के लिए अमेरिकी सरकार के लिए एक डेट लिमिट डिसाइड की गई। ये लिमिट अमेरिकन कांग्रेस डिसाइड करती है, मतलब अमेरिकी सरकार कितना खर्च करती है इसकी निगरानी अमेरिकी कांग्रेस करती है और खर्च करने की सीमा तय की गई है, जिसे 1960 के बाद 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार इस डेट लिमिट को दिसंबर 2021 में बढ़ाया गया था और इस सीमा को $31.4 trillion कर दिया गया, लेकिन अब ये सीमा को पार कर गया है। अमेरिका में अब राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ चुका है। अमेरिका का कर्ज पिछले एक दशक में 2 गुना हो चुका है, जिसकी वजह से कर्ज की सीमा पर झगड़े भी यहां पर अब भव्यावह हो चुके हैं। अब बाइडेन सरकार कह रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और कोरोना पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट के खर्चों में भारी बढ़ोतरी के कारण ये सीमा क्रॉस हो गई। अगर खर्च में कटौती की जाती तो फिर उनकी सरकार सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, बुजुर्गों को दी जाने वाली सहायता, फूड और हाउसिंग प्रोग्राम का भुगतान नहीं कर पाती और इससे अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाती, लिहाजा सरकार का बजट घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों बाइडेन सरकार के लिए बड़ा खतरा इस वजह से है क्योंकि संसद में उनकी विरोधी रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है, जो लगातार सरकार से खर्च में कटौती की डिमांड करती आ रही है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी बाइडेन सरकार ने खर्च में कोई कटौती नहीं की, जिसकी वजह से खजाना खाली हो गया। दोस्तों अमेरिका में ये डेट टू जीडीपी रेशियो साल 2022 में 120% तक पहुंच गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर से भी बहुत ज्यादा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1945 में ये 114% था।
पिछले दो सालों में इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 तक अमेरिका का कुल कर्ज 8.2 लाख करोड़ डॉलर बढ़ चुका है, जबकि पहले 8.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में इसे 230 साल लगे थे। दोस्तों माना जा रहा है कि अमेरिका का कर्ज साल 2033 तक 51 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी अगले 10 साल के अंदर ही इसमें 20 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। खैर दोस्तों ये फ्यूचर की बात है, लेकिन दोस्तों इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कहा गया है कि इस बार खर्च करने की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट करने वाला है। यानी ठीक से कहें तो अमेरिका जानबूझकर ऐसा करने वाला है, ठीक से कहें तो अमेरिका पाकिस्तान और श्रीलंका बनने वाला है। हालांकि बाइडेन ने संकट को हल करने के लिए 9 मई को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडर्स को बुलाया है, जिसमें तय होगा कि कर्ज की लिमिट बढ़ेगी या फिर दुनिया में सुनामी आएगी। वैसे दोस्तों एक्सपर्ट इसे अमेरिका में पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो एक्सटर्नल भी हैं, यानी दुनिया से जुड़े हुए हैं। दुनिया के देश अब अमेरिका से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त डॉलर को पूरी तरह से चुनौतियां मिल रही हैं। अमेरिकन डॉलर ने लगभग 8 दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी पर राज किया है, इसे अमेरिका का सीक्रेट वेपन भी कहा जाता है, तो वहीं दुनिया की सबसे सुरक्षित एसेट्स में भी एक माना जाता है। आपसी कारोबार के लिए दुनिया इस करेंसी पर डिपेंडेंट रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। इस कारण डॉलर का फ्यूचर संकट में आ चुका है कि उसकी लीडरशिप अब बनी भी रहेगी या फिर नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। चीन ने सऊदी अरब, फ्रांस, रूस और ब्राजील के साथ कई सौदे अपनी करेंसी में किए हैं। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी नई करेंसी को इजाद करने की सहमति जता दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने लोगों से अमेरिकन डॉलर से छुटकारा पाने को कहा है। भारत ने भी आज की डेट में 19 देशों के साथ अपनी करेंसी यानी रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दोस्तों चीन की करेंसी भी तेजी के साथ बढ़ रही है। ब्राजील के फॉरेन रिजर्व में तो दूसरी सबसे बड़ी करेंसी युआन ही है, इसी तरह रूस के रिजर्व में भी 33% तक युआन है। रूस की कंपनियों ने पिछले साल युआन में बॉन्ड जारी किए थे। अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस के बीच लोगों ने अरबों डॉलर क्रिप्टो करेंसीज और डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। 2 हफ्ते में अमेरिकी बैंकों से 225 अरब डॉलर निकाले जा चुके हैं। दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व में कभी डॉलर का हिस्सा 72% हुआ करता था, जो अब 59% तक आ चुका है। मतलब दोस्तों दुनिया में डॉलराइजेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण अमेरिका अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो क्या होगा, जरा ये भी जान लेते हैं। अगर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो एक झटके में 70 लाख से ज्यादा नौकरियां चली जाएंगी और जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है। इसका असर भारत समेत दुनिया भर के देशों पर होने वाला है। कई देश तो दोस्तों मंदी की सीधी चपेट में आ सकते हैं। दुनिया 2008 की तरह वित्तीय संकट में फंस सकती है। डिफॉल्ट होने की स्थिति में अमेरिकन गवर्नमेंट कई तरह के बिलों का भुगतान नहीं कर पाएगी, जिससे लाखों लोगों को वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। इससे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, बुजुर्गों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स, फूड और हाउसिंग प्रोग्राम अटक जाएंगे। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की सैलरी पर संकट पैदा हो जाएगा। डिफॉल्ट से अमेरिका की क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होगी, जिससे अमेरिकी लोगों के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड रिस्क फ्री माना जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी इसके पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। लेकिन डिफॉल्ट के बाद इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट मांगेंगे। सभी तरह के इंटरेस्ट रेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी डिफॉल्ट का सभी पर असर होगा। दोस्तों एक्सपर्ट्स को डर है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बाजार पर इसका क्या असर होगा, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार अमेरिका डिफॉल्ट करेगा। अमेरिका के इन्वेस्टर्स दुनिया के बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं, लिहाजा निश्चित तौर पर इसका गंभीर असर भी दुनिया के मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। कितना होगा, कितना बड़ा यह असर होगा, फिलहाल इसका अंदाज लगा पाना ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों डिफॉल्ट होने की स्थिति में कई विकल्प होते हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसका असर भारत पर भी बड़ा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या इसे रोका नहीं जा सकता, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। डिफॉल्ट होने की स्थिति में
कई विकल्प होते हैं, कई बार कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया जाता है यानी इसकी ड्यू डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह करेंसी को ज्यादा किफायती बनाने के लिए इसका डीवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब कि डॉलर के भाव गिरा दिए जाएंगे जिससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए सस्ते हो जाएंगे और इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा और इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा और कर्ज का भुगतान आसान हो सकता है। हालांकि बाइडेन सरकार ने संसद से जल्द डेट लिमिट बढ़ाने का अनुरोध किया है और उम्मीद की जा रही है कि ये लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि अमेरिका डिफॉल्ट नहीं होना चाहेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये संकट पैदा होता है तो 2008 की तरह भारत में भी मंदी देखी जा सकती है। हालांकि 2008 और 2023 के भारत में बहुत बड़ा फर्क है, भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। डॉलर से पिंड छुड़ाने के लिए भारत ने पहले ही प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। आज 19 देशों में डॉलर से नहीं बल्कि रुपए से ट्रेड हो रहा है और इस वक्त डिजिटल करेंसी के मामले में फिर वो जाए यूपीआई की बात हो, ई रुपीस की बात हो या फिर रुपए कार्ड की बात हो, भारत अपनी खुद की करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूत करने की ओर आगे बढ़ चुका है जिससे भारत इस तरह के संकट से बहुत हद तक बच जाएगा। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।